राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार, अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, मैं हूँ महम चौबीसी के गांव मदीना में, और मदीना गांव राजनीतिक सरगर्मियों का बहुत बड़ा सरताज बेताज बादशाह गांव, जहां से बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, और गांव राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर था, अब बाईपास निकल चुका, गांव के अंदर से एक साधारण सा रोड है। लेकिन दर्शक साथियों, मदीना गांव के अंदर इसी गांव का सरपंच प्रतिनिधि राजा, जो लगातार इस गांव की सुंदरता को चार चांद लगाने का कार्य कर रहे हैं। अब वो चार चांद लगाने का कार्य मैं आपको बता दूं, आप इधर तरफ कैमरा घुमा दे, साथी से कहूँगा वो दिखा दे वो स्थान जहाँ पर सौंदर्यकरण के लिए लगातार बहुत बहुत बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ पर ठीक आपके सामने एक 100 फुट ऊंचा पोल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लगेगा भारत की आन बान शान, और इस देश के वीर सैनिकों की जान, इस देश की आन बान शान तिरंगा। तिरंगा, वो तिरंगा जिसकी लाज बचाने के लिए लाखों लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, ये वो तिरंगा लगेगा। और यहाँ पर स्वर्गीय चौधरी छोटूराम की प्रतिमा भी साथ में स्थापित की जाएगी, सरस्वती की मूर्तियाँ, शहीदों की मूर्तियाँ, आगे आई लव मदीना, ऐसा शानदार कार्य, फव्वारे, लाइटिंग वगैरह, कि इस गांव की सुंदरता को चार चांद लगा देंगे। और पूरे हरियाणा प्रदेश में जो भी यहाँ से गुजरने वाले लोग होंगे, वो उनके मन को मोह लेने वाला ये स्थान होगा। ये बात करते हैं यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि राजा भाई से। राम राम जी सरपंच साहब। राम राम जी, सभी दर्शकों नमस्कार जी। लगातार तैयारियाँ हैं, मैन पावर लगी हुई है, किस किन किन की मूर्तियाँ लगाने जा रहे हैं और क्या प्रोग्राम है, इसका इनोग्रेशन कब होगा, पूरी डिटेल से बता दीजिएगा। सबसे पहले तो आप सभी के सभी दर्शकों को आज जोड़कर नमस्कार, ग्रामवासियों, क्षेत्रवासी, शहरवासियों को आज आप हमारे गांव में आए हो, आप सभी का गांव की तरफ से स्वागत है। आने वाली 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को यहाँ प्रोग्राम किया गया है, यहाँ 100 फुट का तिरंगा झंडा और चौधरी छोटूराम की मूर्ति और निर्मुंदु छोटूराम की और चंद्रशेखर आज़ाद शहीद भगत सिंह की मूर्ति और बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और रवि नायक, शहीद रवि नायक शर्मा शहीद हुआ था लड़का, उसकी मूर्ति तो और चुगन माता की मूर्ति रखी जाएगी। 15 अगस्त को यहाँ प्रोग्राम है 1 बजे का, और हमारे हरियाणा सरकार के पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली, हरियाणा सरकार के पंचायत मंत्री, वो आएंगे, इनका यहाँ उद्घाटन करेंगे, और साथ में मैं मलका ज्ञान बान श्यान चौधरी शमशेर सिंह खरकड़ा, हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जी, वो यहाँ पहुँचेंगे, और पूरा मेरा समस्त गांव, समस्त ग्रामवासी तकरीब यहाँ पहुँचेंगे। बड़ा अच्छा कार्य है, और सबसे पहले तो पंचायत स्कूल में सरस्वती की मूर्ति रखेंगी सरकारी स्कूल लड़कियों का, उसके बाद फिर स्वास्थ्य CSC केंद्र मदीना, वहाँ श्री गणेश जी की मूर्ति माँ का निर्माण किया जाएगा, और उसके बाद फिर ये 1 बजे का यहाँ प्रोग्राम शुरू है। तो दर्शक साथियों, आपने पूरी डिटेल सुन ली कि उन शहीदों की मूर्तियाँ जिन्होंने इस देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, उनकी याद में वो प्रतिमा स्थापित की जाएंगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को, छोटे छोटे बच्चे जो आज जवानी की तरफ अपने कदम रखेंगे, उनके लिए प्रेरणा स्रोत, उदाहरण बन सके और याद कर सके, वो परिवार, वो गांव, वो प्रदेश, वो देश, उसके बारे में वो जानकारी मिल सके, उन शहीदों के बारे में वो जानकारी मिल सके कि इतने शानदार और जानदार व्यक्तित्व इस भारत देश के अंदर जिन्होंने जन्म लिया और इस देश की आज़ादी को हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका उन शहीदों की रही, जिनकी प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। तो जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी हॉस्पिटल के अंदर, और स्कूल के अंदर सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाएगी, सरस्वती माता पढ़ाई की देवी, जब विद्यार्थी सुबह सुबह भगवान का नाम लेके स्कूल में एंट्री करेंगे, तुरंत माँ सरस्वती की के दर्शन होंगे, तो एक अलग अनुभूति होगी। स्कूल के आगे ही उन शहीदों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, जितने भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आएंगे, बहुत बड़े प्रेरणा उनके लिए होगी, बहुत बड़ा संदेश उनके लिए होगा कि भविष्य में हमें क्या बनना है, क्या कर गुजरना है, और देश के लिए कितने बड़े
कुर्बानियां दी गई इसकी आजादी को लेकर। हमारे साथ एक और साथी राम राम भाई जी। राम राम जी। जो मूर्तियां लगाई जा रही हैं, सरपंच साहब जो काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा हो रहा है जी। मूर्तियां लगाई जाएंगी, पूरा प्रदेश सत्र पर नाम होगा। बिल्कुल जी, शानदार काम है, शानदार काम है जी। राम राम भाई। राम राम जी, सभी को राम राम। जो काम किया जा रहा है, हाँ जी, तिरंगा लगाया जाएगा, शहीदों की मूर्तियां लगाई जाएंगी, कैसा कार्य है? पूरा सारा गांव संतुष्ट है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सरपंच साहब हमारे दोबारा चुन के आए हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सारा गांव बिल्कुल खुशहाल है। तो दर्शक साथियों, 15 अगस्त के भाई साहब, हाँ जी, और एक इसमें जो बताया कि 1 तारीख को मनोरंजन के लिए जादूगर सम्राट आर के सम्राट पूरा हरियाणा के प्रसिद्ध और जादूगरनी और छोटी सपना और पूरा हरियाणा प्रदेश के कलाकार गगन हरियाणवी और रुचिका जांगिड़, काफ़ी कलाकार यहाँ मनोरंजन के लिए पहुँचेंगे। तो मेरी सभी से प्रार्थना है, ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, हरियाणा वासियों से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाए। आपका अपना प्रोग्राम है, पूरे ग्राम पंचायत मदीना की तरफ से मैं हाथ जोड़कर सभी से विनती करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर आपका अपना प्रोग्राम समझ कर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएँ, ताकि हमें आशीर्वाद दें, ताकि और हम प्रोग्राम करने की और अच्छा सोचें। इसलिए मनोरंजन भी पूरी पंचायत ने मनोरंजन के लिए बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ बुला रखे हैं, हमारी माताएं बहनें, एक सामूहिक प्रोग्राम होगा, सबका साझला प्रोग्राम होगा। इसमें चाहे हमारी माताएं बैठी, चाहे हमारी बहन बैठी, चाहे हमारे पिता तिल्ला बुजुर्ग कोई बैठो, एक जादूगर के रूप में प्रोग्राम होगा, तो उसमें कोई भी बैठ कर देख सकता है, देशभक्ति के बारे में प्रोग्राम होगा। तो सभी से प्रार्थना है कि अपना प्रोग्राम समझ गए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे, आपका अपना प्रोग्राम है, सबका धन्यवाद। तो दर्शक साथियों, 15 अगस्त का दिन, स्वतंत्रता दिवस का दिन, वो दिन जिस दिन हमें गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिली थी और आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी तारीख को यहाँ पर उन शहीदों की मूर्तियों का अनावरण किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के पंचायत मंत्री, कैबिनेट के मंत्री देवेंद्र बबली जी और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा महम से श्री शमशेर सिंह खरकड़ा जी और आप दर्शक साथियों, आपकी भी का भी इंतज़ार रहेगा इस गांव के लोगों को कि आप भी इस प्रोग्राम के हिस्सेदार बनिए। और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया है कि बहुत बड़े बड़े कलाकार यहां पहुंचने वाले हैं, तो दर्शक साथियों ज़रूर से ज़रूर इस प्रोग्राम में पहुंचिएगा और शहीदों के जो मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के साथ साथ आपका मनोरंजन भी भरपूर होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।